Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. मैं श्रेष्ठ यादव असिस्टेंट प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान विभाग एक बार फिर से आपका इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आवर्ती वितरण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की नीड क्या है और उसका अर्थ क्या है इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार पिछले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करना होगा जहाँ पर हमने प्रयोग के बारे में डिस्कशन किया था जब हमने प्रयोग के बारे में डिस्कशन किया था तो उस समय हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था रॉ डेटा आज का लेक्चर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिकल मेथड की शुरुआत कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी एनालिसिस हम लोग करेंगे तो वो किसी भी प्रकार के डेटा के ऊपर बिल्ड होगा तो सबसे पहले सबसे रॉ फॉर्म में जो हमारे पास डेटा होता है हम उसे कहते हैं रॉ डेटा अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने रॉ डेटा की डेफिनेशन पहले एक बार डिस्कस की है संक्षेप में रॉ डेटा का अर्थ है जब हम किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मापन करते हैं तो जो उसका आउटकम हमें मिलता है हम उसे डेटा कहते हैं और रॉ डेटा जिस फॉर्म में जैसा एकदम नेचुरल फॉर्म में जो हमारे पास डेटा ऑप्टेन हुआ है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा तो अब हम एक एग्जाम्पल के तहत रॉ डेटा समझते हैं तो आप देखेंगे कि अभी स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर्स को देखकर कुछ इनका इन्फर कीजिए इसका कुछ अर्थ बताइए तो इन नंबर्स को देखने से आप इनका कोई मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे ना ही आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन नंबर्स का अर्थ क्या है तो अभी के लिए हम ये मानते हैं ये जो नंबर्स हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कोर है किस व्यक्ति ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे कितना स्कोर ऑप्टेन किया ये वो नंबर्स हैं लेकिन स्टिल अभी भी 47, सेवन फिफ्टी थ्री थर्टी फिफ्टी एट सिक्सटी एट ये कोई मीनिंग नहीं शो कर रहे हैं अगर मैं इस डेटा को आपको दिखाऊं और उससे कहूं कि आप बताइए इसके बारे में कुछ तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी दूसरे शब्दों में कहूं तो ये रॉ डेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा इसका कुछ अर्थ ड्रॉ नहीं कर पाएगा अब वापस चलते हैं रॉ डेटा तो इसकी नीड क्या हुई रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की ट्रांसफॉर्म करने की या एनालिसिस करने की क्योंकि रॉ डेटा हमें डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं देता है और प्रयोग में हमें रॉ डेटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं ताकि इस रॉ डेटा से हम लोग कुछ इन्फर कर सकें कोई मीनिंग ड्रॉ कर सकें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें तो अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस रॉ डेटा को हम किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्पज़ है रॉ डेटा से मीनिंग ड्रॉ करना हम जो भी एनालिसिस के प्रोसेस यहाँ सीखेंगे जो भी एनालिसिस के प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसका सब का एकमात्र उद्देश्य होगा इस रॉ डेटा से मीनिंग निकालना ट्रांसफॉर्म करना इसे तो अब हम देखते हैं कि रॉ डेटा को सबसे पहले हम लोग बहुत सिंपल फॉर्मेट में किस तरीके से इसमें कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं तो इसमें लिखा है क्रम क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब अपने रॉ डेटा को किसी एक ऑर्डर में प्लेस कर देना अब हम देखते हैं दोबारा उदाहरण की तरह देखिए ये रॉ डेटा है हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस डेटा का क्या मीनिंग है अब मैं क्या करता हूँ इस रॉ डेटा को एक ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ देखिए डेटा वही है सेम तीनों फॉर्मेट में ये डेटा ये डेटा और ये डेटा तीनों डेटा सेम है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तीनों का एन भी सेम है लेकिन जब मैंने डेटा ऑर्डर में प्लेस किया तो अब इस डेटा से मैं कुछ मीनिंग इन्फर कर सकता हूँ जैसे कि मिनिमम स्कोर क्या है तो मैं ये बता सकता हूँ कि जिस सैंपल पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है उस सैंपल में मिनिमम किसी व्यक्ति का अगर इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस में जो स्कोर आया है वो थर्टी है इसके साथ मैं क्या बता सकता हूँ ये बता सकता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में उस मेजरमेंट के साथ मैक्सिमम स्कोर 84 फोर ऑप्टेन हुआ है और क्या बता सकता हूं कि 71 ऐसे तीन लोग हैं जिन्होंने इक्वल स्कोर गेन किया है और वो स्कोर है 71। और भी कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकता हूँ 52 कितने लोग हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे 52 स्कोर गेन किया है टू 82, टू टू एटी थ्री अगेन थ्री तो हमने अपने रॉ डेटा को जैसे ही ऑर्डर में प्लेस किया अब हमने एक स्टेप फर्दर मूव किया है कि अब यह डेटा हमें एक मीनिंग ड्रॉ करने में हेल्प कर सकता है पहला सबसे छोटा और सबसे पहला स्टेप अब हम वापस चलते हैं रॉ डेटा को ऑर्डर में इस प्लेस करने के बाद भी अभी भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन जब हमने ऑर्डिनल डेटा को डिस्कशन किया था तो उसके साथ साथ आपसे एक कुछ बातें कही थी सेवेंटी वन थ्री टाइम्स एटी टू टू टाइम्स एटी थ्री थ्री टाइम्स ये एट्टी थ्री थ्री टाइम्स का अर्थ है कि 83 थ्री स्कोर तीन बार इस पूरे डेटा सीरीज़ में अवेलेबल है तो 83 की फ्रिक्वेंसी क्या हुई थ्री फ्रीक्वेंसी का सिंपल अर्थ है कि कोई भी डेटा पॉइंट कितनी बार अक्कर रहा है कितनी बार वो बार बार आ रहा है तो वो कहलाती है उसकी फ्रिक्वेंसी तो अगर यहाँ पे आपसे कोई कहे 32, कि 32 की क्या फ्रिक्वेंसी है इस डेटा सेट में तो मैं बता सकता हूँ टू क्योंकि 32 दो बार अकर किया है लेकिन ये मैं इतनी आसानी से कब बता पाया जब मेरा डेटा ऑर्डर में प्लेस था क्रमबद्ध रूप से मेरे पास था लेकिन अगर मुझे इस डेटा में ये बताना हो रॉ डेटा में कि 32 कितनी बार आया है तो मुझे क्या करना होगा इस पूरे डेटा को स्कैन करना होगा मैंने स्कैन किया थर्टी टू एंड थर्टी टूर इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने जैसे पहली बार में ऊपर वाली लाइन में 32 मिस कर दिया था तो फिर चांसेस हैं कि जब मैं इस रॉ डेटा को देख के स्कैन करके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा तो पॉसिबिलिटी है कि 32 एक बार मिस हो जाए और उसके अलावा अगर मिस भी नहीं हो रहा है तो आपने देखा कि मुझे समय लगा ये जानने में कि थर्टी कितनी बार आया है तो अब हम सीखते हैं कि रॉ डेटा को फ्रिक्वेंसी में कब कन्वर्ट करते हैं क्यों कन्वर्ट करते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो रॉ डेटा को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के दो मैथड होते हैं फर्स्ट कहलाता है ग्रुप मैथड सेकेंड अनग्रुप मैथड तो अनग्रुप मैथड और ग्रुप मैथड में क्या डिफरेंस है कि जो अभी हमारा ये डेटा है इसमें इंडिविजुअल स्कोर अपने इंडिविजुअल मीनिंग को डिस्प्ले कर रहा है अभी तक हमने इस डेटा को ऑर्डर में तो प्लेस किया है लेकिन इस डेटा को हमने किसी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया है तो यहां पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा तो होगा थर्टी थर्टी की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं वन थर्टी टू थर्टी टू की फ्रीक्वेंसी इस विधि को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना ये एक सिंपल टेक्निक है और आसानी से हो जाती है अब हम सीखते हैं कि रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में और रॉ डेटा का ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के बाद उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उससे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनल ऑर्डर में डेटा को या रॉ डेटा को जब हम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और ग्रुप में कन्वर्ट करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रुप डेटा जब हम किसी भी डेटा को या किसी भी चीज को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी एक बेसिक करेक्टर को इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर यहाँ पर एक क्लास है यहाँ पे पचास बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे कहा जाए कि इस पूरी क्लास को आप दो ग्रुप्स में या तीन ग्रुप्स में चार ग्रुप्स में बांट दीजिए तो मैं कैसे बांटूंगा इस क्लास को किसी एक करेक्टर को पिक करूँगा और उस करेक्टर को पिक करते हुए पूरी क्लास को दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में बांट दूंगा एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि मैंने पहली करेक्टरिस्टिक ली जेंडर और मैंने कहा जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ हो जाएँ जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो एक तरफ हो जाएँ तो इससे क्या हुआ मैंने पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और इन ग्रुप्स को मैं अब आसानी से समझ सकता हूं क्योंकि अगर जब आप मिक्स क्लास में बैठे हुए हैं तो हो सकता है मुझे ये जानने में डिफ़िकल्टी हो कि इस क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं जैसे ही मैंने उस करेक्टरिस्टिक्स पे इन पूरी क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया अब मेरे लिए इजी होगा ये आइडेंटिफाई करना कि मेल स्टूडेंट कितने हैं फीमेल स्टूडेंट कितनी हैं ये एक बेसिक एग्जांपल। इसके अलावा ग्रुप में कन्वर्ट करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने डेटा में सिमिलरिटी या उस ग्रुप में सिमिलरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो जैसे अभी हमने किस करेक्टरिस्टिक पे आइडेंटिफाई किया था जेंडर के बेसिस पे तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ग्रुप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर फॉर्म में पॉसिबल होगी या हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कि इस बार हम पूरी क्लास को जेंडर के बेसिस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आप लोगों के लास्ट सेमेस्टर में कितनी परसेंटेज आई थी तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम पहला ग्रुप बना रहे हैं जिन लोगों की फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट परसेंटेज आई है लास्ट क्लास में फिर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सेवेंटी टू 80 परसेंट एट्टी टू नाइन्टी परसेंट नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट हम ये मानते हैं कि हो सकता है किसी के हंड्रेड परसेंट भी मार्क्स आए हों और उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग इन कैटेगरीज के, के बेसिस पर क्लास में ग्रुप्स बना लीजिए तो आप देखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक है लास्ट सेमेस्टर में आपके कितनी परसेंटेज थी लेकिन इसमें सिमिलरिटी है परसेंटेज में मैंने ऐसा नहीं किया है कि 60 परसेंट टू 62 परसेंट देन 80 टू 82 टू परसेंट देन नाइन्टी टू 92 टू परसेंट सॉरी एट्टी टू टू 92 टू परसेंट का एक ग्रुप बनाया है नहीं मैंने क्या कैसे ग्रुप बनाया है सिमिलरिटी की जो बेसिस है उसे इक्वल करने के आइडिया के साथ कि एक ग्रुप में जो लोग रहे उनकी जो वो बेसिक करेक्टरिस्टिक है सम हाउ वो सिमिलर हो तो जब मैं आप लोगों को इस क्लास को इन एक दो तीन चार पाँच पाँच ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास ये इजी होगा कि अब मैं जान सकता हूँ कि कितने बच्चे 50 टू 60 परसेंट मार्क्स गेन किए थे कितने लोगों ने 90 टू 100 परसेंट मार्क्स गेन किए थे या कितने लोगों ने 70 टू 80 परसेंट मार्क्स गेंद किए थे इसके बेसिस पे हो सकता है कि मैं इस क्लास को लेक्चर मेथड के लिए या डिस्कशन मेथड के लिए या मुझे कोई डिबेट के लिए बच्चों को चूज़ करना है तो मैं कहूँ कि नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट जिन बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी लास्ट क्लास में डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि जिन बच्चों के पिछली बार 50 टू 60 परसेंट मार्क्स आए थे उन लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल क्लासेस रखें कुछ लेक्चर रखें और जिससे कि नेक्स्ट सेमिस्टर में उनके मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स के इक्वल हो सकें तो हम अपने रॉ डेटा को जब ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उससे एक मीनिंग इन्फर होता है और उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाते हैं ग्रुप डेटा अब ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमने जब ग्रुप डेटा में कन्वर्ट किया आपने रॉ डेटा को तो आपने देखा होगा हमने कैटेगरीज बनाई कुछ इन कैटेगरीज की एक रेंज थी 50 टू 60 परसेंट 60 टू 70 परसेंट अब आप इसमें देखेंगे कि इस रेंज में जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन थी वो कहीं डिजोल्व हो गई है जैसे इस ग्रुप में कौन कौन है जिनके 50% परसेंट 51 फिफ्टी वन है फिफ्टी टू है और टिल द 69% परसेंट तो मैंने क्या सॉरी 59% परसेंट तो मैंने क्या किया वो बच्चा जिसकी 50% परसेंट स्कोर है और वो बच्चा जिसका 59 स्कोर है उसको एक ही ग्रुप में मर्ज कर दिया तो क्या हुआ कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गई इस ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली फिफ्टी टू कितने बच्चों के आए हैं क्यों क्योंकि अब हमने ये पूरा रॉ डेटा ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया है तो अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन परसेंट इन बारह बच्चों के आए हैं लेकिन उनमें से कितने लोगों के 52 आए हैं कितने लोगों के 53 आए हैं इस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन मुझे कहां जाना होगा रॉ डेटा पे क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रुप बनाए उसके बाद इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रॉ डेटा की मिसप्लेस हो जाएगी अब हम रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने का स्टेप शुरू करते हैं तो हमारे पास जो रॉ डेटा है उसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का जो पहला स्टेप है वो स्टेप है रेंज आइडेंटिफाई करना रेंज का क्या मतलब है कि हमारा जो पूरा डेटा है पूरा डेटा सेट है वो वहाँ कितने मिनिमम वैल्यू से कितने मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करता है तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा डेटा है वो 30 से शुरू हो रहा है और 84 पे कंप्लीट हो रहा है तो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्कोर और यहां पे मैक्सिमम स्कोर क्या है 84 मिनिमम स्कोर कितना है 30 अब हम क्या करेंगे 84 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्कोर होगा 54 अब इस 54 का क्या अर्थ है 54 का अर्थ है कि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये टोटल है 50 नुमेरिकल वैल्यूज अगर आप काउंट करेंगे तो आप देखिए जब हमने रॉ डेटा को एक अनऑफिशियल ग्रुप में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास थे हर ग्रुप में एक दो तीन चार पाँच और हमारे पास ऐसे कितने ग्रुप हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो टोटल हुए फिफ्टी स्कोर्स अब यहाँ हमारे पास 50 स्कोर तो हैं लेकिन हमें ये जानना है कि ये 50 स्कोर कितनी नुमेरिकल वैल्यू में स्प्रेड होते हैं तो कितनी नुमेरिकल वैल्यू में स्प्रेड हो रहे हैं थर्टी टू एट्टी अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है रेंज की वैल्यू आ गई है तो रेंज की वैल्यू हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि जब हम अपने रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कितने ग्रुप में कितनी फ्रिक्वेंसीज आइडेंटिफाई होंगे तो अगर हमारे पास रेंज है तो रेंज है अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ग्रुप में हम किस रेंज तक के डेटा को रखने वाले हैं उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल जैसे अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक ग्रुप में एक क्लास में कितने लोगों को रखना है हमारे पास पूरी टोटल रेंज थी 54 अब हमें दो चीजें चाहिए पहला चाहिए क्लास इंटरवल दूसरा चाहिए साइज ऑफ क्लास इन फर्स्ट एक चाहिए साइज ऑफ क्लास इंटरवल और उससे हमारे पास आइडेंटिफाई होगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल टोटल रेंज 54 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स के कोई बेसिक रूल किसी बुक में नहीं है कि आपको 40 क्लास इंटरवल चाहिए या 30 क्लास इंटरवल चाहिए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या 10 चाहिए लेकिन एक बेसिक आइडिया है कुछ बुक्स में है कि एट टू ट्वेल्व नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज गुड कुछ बुक्स में है टेन टू एटीन कुछ बुक्स में है टेन टू ट्वेंटी अर्थ यह है कि जो हमारे पास रेंज है हम उसे क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है वो ना ही तो बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो जाए क्लास इंटरवल का रेशियो श किया जाए कि जो हमारा डेटा है वो अपनी मीनिंग को बिना लॉस करे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दे तो जब हमारे पास 54 रेंज है तो हम क्लास इंटरवल का साइज एक बार देखते हैं हम क्लास इंटरवल का साइज रखते हैं टेन अगर हम 10 क्लास इंटरवल का साइज रखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होंगे 54 डिवाइडेड बाय 10, 5.4, जो टोटल सिक्स क्लास नंबर ऑफ क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे सिक्स कुछ कम है तो हम क्या करते हैं अपने क्लास इंटरवल का साइज कम कर देते हैं जब हम अपने क्लास इंटरवल का साइज़ कम करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंक्रीज हो जाएंगे 54 अब हम क्या करते हैं अपना क्लास इंटरवल का साइज फाइव कर देंगे तो होगा क्या हमारे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंक्रीज हो जाएंगे अब हमारे पास लगभग टेन पॉइंट एट क्लास हमारे पास होंगी जो ऑलमोस्ट इलेवन क्लास होंगी तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास अगर हम पांच का क्लास इंटरवल रखेंगे तो लगभग ग्यारह क्लासेस हमारे पास होंगी अब हम क्या करते हैं इन क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को ड्रॉ करते हैं उससे पहले हम लोग एक डिस्कशन और कंप्लीट करते हैं जो है टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के कुछ टाइप्स हैं कुछ मेथड हैं उन मेथड्स में पहला मेथड है इंक्लूसिव सेकंड हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और थर्ड को हम कहते हैं प्योर अब इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं जब हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था फिफ्टी टू सिक्सटी सेंट जो बच्चे हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा था फिफ्टी अगर किसी का होगा तो हम इस ग्रुप में रखेंगे और टिल फिफ्टी नाइन लेकिन ये जो सिक्सटी परसेंट था उसे हमने इस ग्रुप में डिस्कशन में नहीं इंक्लूड किया था ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि यहां पे जो हमने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड यूज की उसे हमने कहा एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव का अर्थ है कि जब हम कोई अपनी क्लास बनाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अपना क्लास बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं हमारे पास डेटा की मिनिमम वैल्यू है थर्टी हमारे पास क्लास इंटरवल है फाइव तो हम क्या करेंगे थर्टी प्लस क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल कितना था फाइव देखिए तो अधिकतर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि जब वो फाइव क्लास इंटरवल रखते हैं तो वो क्या करते हैं थर्टी देन फाइव तो वो उसमें फ़ाइव ऐड कर देते हैं तो अगर मैं इसमें फ़ाइव ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा थर्टी फाइव जब इस तरीके से मैं ऐड करूँगा तो ये एक्सक्लूसिव क्लास होगा उसमें थर्टी फाइव इस क्लास में ऐड नहीं होगा वो नेक्स्ट क्लास में ऐड होगा तो अगर हमें इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड है फर्स्ट देन हमारा क्लास इंटरवल है फाइव अब हम ऐड करते हैं थर्टी थर्टी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर तो थर्टी वन हेयर थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर मेरी पांच क्लास मैंने आगे स्टेप आउट किया तो मैं थर्टी से थर्टी फोर तक पहुंचा क्योंकि थर्टी एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे है थर्टी पहला थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो वो होगी थर्टी टू थर्टी फोर क्योंकि इसमें थर्टी और थर्टी फोर दोनों इसी क्लास में हमने इंक्लूड किए हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंक्लूसिव समावेशी समावेशी का अर्थ है जिसमें जो पूरे दोनों नंबर हैं जो आ, लिमिट्स हैं वो दोनों इसी क्लास में इंक्लूडेड हैं सेकेंड है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज एक्सक्लूसिव डेटा सीरीज उसे कहते हैं जिसमें जो अपर लिमिट है अपर लिमिट उस क्लास में ऐड नहीं होगी वो क्या होगी अगली क्लास में ऐड होगी तो अगर यहां पर थर्टी टू थर्टी फाइव है तो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी थर्टी फाइव टू फोर्टी और इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगी थर्टी टू थर्टी फोर नेक्स्ट होगी थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन और जब हम लोग इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इंक्लूसिव है तो थर्टी फोर की फ्रीक्वेंसी कहा काउंट होगी इस क्लास में और अगर एक्सक्लूसिव है तो थर्टी फोर की वापस इसी में होगी लेकिन थर्टी फाइव की कहाँ होगी यहां पर क्यों क्योंकि जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव क्लास में एक्सक्लूसिव सीरीज में नेक्स्ट क्लास में ऐड होती है अब तीसरी है प्योर या एग्जैक्ट लिमिट तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की जो एग्जैक्ट लिमिट होती है उसे जानने के लिए हमें क्या करना होता है हमें उसमें से अगर हमें लोअर लिमिट लोअर एग्जैक्ट लिमिट अगर आइडेंटिफाई करनी है तो 0.5 माइनस कर देते हैं और अगर अपर एग्जैक्ट लिमिट आइडेंटिफाई करनी है तो हम उसमें 0.5 फाइव ऐड कर देंगे तो जैसे अगर मुझे 30 की लोअर लिमिट आइडेंटिफाई करनी है तो वो क्या होगी 29.5 और अपर एग्जैक्ट लिमिट क्या होगी 30.5 तो जो प्योर या एग्जैक्ट लिमिट डेटा सीरीज होती है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू की एग्जैक्ट अपर लिमिट और लोअर low, लिमिट को कंसीडर करते हुए अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करते हैं तो अगर हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा तो क्या होगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टू थर्टी फोर पॉइंट फाइव तीनों एक ही तरह के डेटा पर हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं एक ही तरह का मीनिंग शो कर रहे हैं लेकिन तीनों का बनाने का मेथड, बनाने का तरीका अलग है 30 टू 34 फोर ही का क्लास इंटरवल है 30 टू 35 फाइव फाइव का ही क्लास इंटरवल है इन द केस एक्सक्लूसिव 29.5 टू थर्टी पॉइंट फाइव अगेन फाइव का ही क्लास इंटरवल है इन द केस ऑफ प्योर डेटा सीरीज तो अब हम लोगों ने जाना कि अगर हमें फ्रिकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के तीन मेथड हैं हम इन तीनों मेथड में से एक एक करके तीनों मेथड को सीखेंगे और ये जानेंगे कि क्या तीनों मेथड से हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई डिफ्रेंसेज आते हैं या तीनों का अर्थ सेम होता है या किस प्रकार से किन विधि से हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों मैथड से ड्रॉ कर सकते हैं तो हम लोगों ने आगे के स्लाइड में एक टेबल ड्रा किया है ये टेबल हमने क्यों ड्रा किया है ताकि जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ करें वो हम आसानी से ड्रा कर सकें और हमारे नंबर्स एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें ये कंफ्यूजन ना रहे कि किस क्लास इंटरवल में कौन सी फ्रिक्वेंसी लाई करती है तो इस अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारा डेटा है जिसे हमने ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है अब हमारे पास मेथड हैं इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव प्योर इन तीनों मेथड से हम लोग इसी टेबल में क्लास इंटरवल उन क्लास इंटरवल की टैलीज और उन क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी इसी टेबल में कंप्लीट करेंगे तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस से बनाना है तो सबसे पहला ऊपर होता है रॉ उसमें हम लोग लिखते हैं सी आई सीआई का मतलब है क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल की रेंज कितनी होगी तो यहां पर होगा सी आई किसके लिए इंक्लूसिव डेटा सीरीज के लिए यहां पर सी आई कौन सा होगा एक्सक्लूसिव नेक्स्ट में फिर सी आई प्योर के लिए यहां पर इस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे टैलीज जो उस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे उसके नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी तो अब हम शुरू करते हैं हम लोगों के पास रेंज है 54 क्लास इंटरवल हम लोगों ने डिसाइड किया है 5 का हमारी लोअर सबसे कम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है 30 और हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 84 फोर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए हमारे पास यही इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे पास डेटा हो हमारे पास रेंज हो हमने क्लास इंटरवल डिसाइड कर लिया हो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उसके बाद मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो जो क्लास इंटरवल की जो पहली क्लास के जो लोअर लिमिट होगी वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी मिनिमम वैल्यू से क्यों स्टार्ट होगी हम बीस से क्यों नहीं शुरू कर सकते अगर हम बीस से शुरू करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कहाँ प्लेस करेंगे जिस तरीके से हमने पहले रॉ डेटा को ऑर्डिनल डेटा में कन्वर्ट किया है उसी तरीके से जो हमारा ग्रुप डेटा है वो भी हमारा एक ऑर्डर में ही प्लेस होगा तो सबसे पहले जो सबसे लोअर लिमिट है इस डेटा की सबसे लोअर न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां से हम शुरू करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू है थर्टी उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया है अपना क्लास इंटरवल फाइव तो अब हमें क्या करना है इस वाली क्लास में पांच न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड होंगी किस किस तरीके से थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर तो इसकी अपर लिमिट होगी इस क्लास की थर्टी फोर लोअर लिमिट इस क्लास की थर्टी अपर लिमिट इस क्लास की थर्टी फोर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी यहां पर इंक्लूसिव है इसका मतलब हुआ ये थर्टी इसी क्लास में एड हो चुका है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट उमेरिकल वैल्यू से शुरू होगी और अब हम इसमें फिर क्या ऐड करने हैं पांच का क्लास इंटरवल तो वो कितना होगा थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन अगेन नेक्स्ट क्लास फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फोर नेक्स्ट क्लास फोर्टी फाइव Then forty nine, then fifty to fifty four, then fifty five to fifty nine, then sixty to sixty four, then sixty five to sixty nine, then seventy to seventy four, then seventy. फाइव टू सेवेंटी नाइन देन एट्टी टू एट्टी फोर इस क्लास इंटरवल में हमारा पूरा डेटा इंक्लूडेड हो गया है क्योंकि मिनिमम वैल्यू थर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है मैक्सिमम वैल्यू थर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है अवेलेबल uh, है एट्टी फोर इंक्लूसिव की सीरीज़ है तो एट्टी फोर इसी में काउंट होगा अब हम लोग इसी के साथ एक्सक्लूसिव में बनाते हैं तो एक्सक्लूसिव में वापस हम लोगों ने शुरू किया थर्टी टू थर्टी फाइव यहां पर हम थर्टी फाइव क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये अपर लिमिट इस क्लास की किस में काउंट होगी नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में वापस कहां से शुरू होगा थर्टी फाइव से कहां तक जाएगा फोर्टी अभी भी फोर्टी यहां लिखा है लेकिन काउंट नहीं होगा काउंट कहाँ होगा इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में फोर्टी टू फोर्टी फाइव देन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव to 70 70 to 75 75 सेवेंटी 80 80 एट्टी 85 देखिए इसी डेटा में अगर 84 यहां पर ऐड हो गया क्योंकि इंक्लूसिव में था लेकिन एक्सक्लूसिव में वो 84 उसी में इंक्लूड हो गया लेकिन अगर ये वाली डेटा मेरा एटी टू एटी फोर एक्सक्लूसिव की सीरीज होती तो एक और क्लास मुझे आगे बढ़ानी होती क्योंकि 84 नेक्स्ट क्लास में ऐड होगा लेकिन यहाँ पर 84 इसी में ऑलरेडी सेट हो गया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया अब हम बनाते हैं क्लास प्योर सीरीज की वापस हमें क्या करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में पॉइंट फाइव ऐड करना है और माइनस करना है तो यहां पर कितनी है मेरे पास थर्टी थर्टी में से मैं क्या करूँगा पॉइंट फाइव माइनस कर दूंगा तो कितना होगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव अपर स्कोर क्या है थर्टी फोर अब मुझे क्या करना है एग्जैक्ट के लिए थर्टी फोर में पॉइंट फाइव ऐड कर देना है तो कर दूंगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में होगा थर्टी फाइव है इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट कितना होगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव अपर लिमिट थर्टी नाइन पॉइंट फाइव इसी तरीके से मैं पूरी अपनी डेटा सीरीज डेवलप करता जाऊंगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फाइव Then forty nine point five forty nine point five fifty 5, four point five to fifty nine point five fifty nine point five to sixty four point five sixty four point five to sixty nine point five sixty nine point five to 74.5, 74.5 टू टू अब हमने क्या किया इन तीनों मेथड से अपने क्लास इंटरवल प्रिपेयर कर दिए पूरा डेटा था हमारे पास हमारे पास तीनों मेथड थे और हमने एक ही टेबल में कंक्लूड करने की कोशिश की है इंटीग्रेट की है ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर एक ही साथ तीनों डेटा सीरीज़ हम एक बार में शो कर सकें कॉमनली जब हम लोग बनाते हैं तो एक एक स्क्रीन पर एक पॉइंट पर हम लोग एक सीरीज बनाते हैं इंक्लूसिव फिर एक्सक्लूसिव फिर प्योर लेकिन हमें एक साथ इन तीनों का कंपैरिजन शो करना है एक साथ तीनों को समझना है तो उसके लिए हम लोगों ने एक ही टेबल में कुछ कॉलम ऐड करते हुए इन तीनों सीरीज को पैरेलली डेवलप किया अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये करना कि किस क्लास में कितनी है। इसे लिखने के लिए हम सबसे हमारे पास जो पहला मेथड होता है उसे हम कहते हैं टैली। टैली में हमें क्या करना है यह आइडेंटिफाई करना है कि इस क्लास में कितने हमारे पास क्लास क्या है थर्टी 234 न्यूमेरिकल वैल्यू कौन-कौन सी आएंगी इस क्लास के अंदर 30 31 32 33 34 अब हमें क्या करना है सीरीज में इस डाटा में देखना है कि वैल्यू कितनी बार आ रही हैं ये वैल्यूज तो हमने यहाँ देखा 30 है हमारे पास हम जब बना रहे हैं तो क्रॉस भी कर देंगे एक देन 32 दो 32 तीन यहाँ पर देखिए जो हमने अभी बात करी थी कि जब रॉ डेटा है उसे जब हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल असाइनमेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिसअपियर हो जाएगा अब यहाँ देखिए थर्टी टू इंडिविजुअल अगर डेटा पॉइंट है तो उसकी फ्रिक्वेंसी है टू लेकिन अब वो यहां पे कहाँ पे ऐड हो जाएगा किस क्लास की फ्रिक्वेंसी में थर्टी टू थर्टी फोर की में तो वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी टू थर्टी फोर क्लास में हमारे पास टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी आ गई पाँच अब हम इसे टैली से ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर टैली जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल है कि जब फिफ्थ जो टैली होता है उसे हम लोग ड्रॉ कर नहीं करते उसे क्या करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास फोर लाइंस ड्रॉ हैं उन्हें हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं ये भी ग्रुपिंग का एक मेथड है अब हमने क्या किया पांच का जो फ्रिक्वेंसी है उसे एक में ग्रुप कर दिया तो अगली बार अगर मुझे काउंट करना होगा तो मैं इसे जैसे ही देखूंगा लाइन कट है, मतलब एक -एक है तो मैं इसे सीधा करूंगा। अगर यही होता हमें टेन का तो हम हमें क्या करना होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अभी अनग्रुप है तो वापस मुझे अगर इसे काउंट करना है तो फिर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेकिन मैंने क्या किया फोर अब क्या है मैं आसानी से इसे काउंट कर सकता हूं तो ये मेथड है टैली ड्रॉ करने का अब हमें क्या देखना है थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है हम आसानी से देख सकते हैं थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो टैली कोई ड्रॉ नहीं होगी अब हमारे पास है फोर्टी टू फोर्टी फोर वन टू थ्री फोर फाइव अगेन फोर्टी टू फोर्टी फोर वन टू थ्री फोर फाइव अगेन हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है

वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर देन सेवेंटी टू सेवेंटी फोर वन टू थ्री फोर सॉरी फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स देन हमारे पास है

जब एक बार हमने क्लास इंटरवल ड्रॉ कर लिए, टैलीज ड्रॉ कर ली तो हमारे लिए फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करना फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है हमें क्या करना है इन टैलीज़ को काउंट करना है फ्रीक्वेंसीज वाले कॉलम में लिख देना है तो हमने टैलीज देखी फाइव ज़ीरो फाइव टू फोर सेवन फाइव फोर सिक्स फाइव सेवन तो इस प्रकार से हम रॉ डेटा को ऑर्डर में ऑर्डर डेटा को ग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा से फ्रीक्वेंसी चार्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ड्रॉ करने के हम लोगों ने तीन मेथड देखे और इन तीनों मेथड से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ड्रॉ किया अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास तीन मेथड्स थे तो हमने तीनों मेथड एक साथ कंपैरिजन किए और देखा कि इन तीनों मेथड्स में टेली में और फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है तो अगर आप चाहे इंक्लूसिव बनाएं चाहे एक्सक्लूसिव बनाएं चाहे प्योर या एग्जैक्ट लिमिट से क्लास इंटरवल बनाएं उससे आपके फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा हाँ फ्रिक्वेंसी का चार्ट कब बदल जाएगा जब या तो मेरा क्लास इंटरवल बदल जाए पांच अगर ये सात होगा तो क्या होगा इंक्लूसिव में थर्टी टू थर्टी सिक्स थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स अब इस क्लास में अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो मुझे क्या क्या काउंट करनी होंगी वन टू थ्री थर्टी टू थर्टी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव अगेन स्टिल यहां पर भी हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी काउंट आ रहा है वो फाइव ही हो रहा है okay. ऐसा क्यों हुआ क्योंकि थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन कोई डेटा था ही नहीं कोई अकर ही नहीं किया तो वो इस सीरीज में ऐड नहीं हुआ अब अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर थर्टी फोर के बाद भी हमारे पास एक डेटा था थर्टी फाइव का या एक और डेटा है हमारे पास थर्टी सिक्स का तो अगर ये डेटा अवेलेबल है हम हाइपोथेटिकली अभी एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर इस क्लास में ये डेटा नहीं आ रहा होगा फ्रिक्वेंसी में वो कहाँ पर आएगा इस वाली फ्रिक्वेंसी में तो यहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी हो जाती है उस समय पर दो लेकिन जब मैंने क्लास इंटरवल का साइज इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा थर्टी से थर्टी सिक्स उस कंडीशन में दोनों फ्रीक्वेंसी कहां पर मर्ज हो जाएंगे इसी क्लास में तो इस क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी काउंट होगा सेवन फाइव सिक्स सेवन तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप या मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्लास का क्या साइज लिया है उससे या आपने जहां से क्लास इंटरवल बनाना शुरू किया है इससे चेंज होगा जैसे अगर मैं यहां पर थर्टी से ना क्लास class, क्लासेस बनाना शुरू करता यहाँ पे मैं क्लासेस बनाना शुरू करता 28 से तो अगर मैं 28 से क्लास इंटरवल बनाता तो मेरी क्लासेस कितनी होती होती ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू तो जो मेरी यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी है वो इस क्लास में लाइक करती तो हम अब आई होप कि आप लोगों को रॉ डेटा से ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा का फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हम लोग क्लियर कर चुके हैं अब हम आगे चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद अब हमारे पास क्या क्या पोजिशंस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास पॉइंट है मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट किसे कहते हैं देखिए हम लोगों ने क्या किया था क्लास में एक क्लास में एक रेंज है जैसे हम लोग इस यहीं पे देखते हैं तो हमारे पास जो पीछे क्लास में क्या रेंज थी थर्टी टू थर्टी फोर जब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि रॉ डेटा को जब हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रुप डेटा में आने के बाद जो रॉ डेटा की इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज थी अब वो इस सीरीज में कहीं लाई कर रही हैं जब हम कह रहे थे कि यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी काउंट किया तो यहाँ पे क्या था थर्टी टू थर्टी फोर में क्या क्या है हमारे पास थर्टी थर्टी टू थर्टी टू दो बार थर्टी थ्री थर्टी फोर तो थर्टी टू थर्टी फोर की जो क्लास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है थर्टी थर्टी टू थर्टी टू थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर तो अगर हमसे कोई कहे कि इस रेंज को इस क्लास की जो रेंज है आपके पास साइज है इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 30 से रिप्रेजेंट करेंगे 32 से रिप्रेजेंट करेंगे 33 से रिप्रेजेंट करेंगे कि 34 से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे पास कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो इस पूरी की पूरी क्लास को अगर मुझे एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसके लिए हमारे जरूरी है कि हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करें मिड पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट हमारी पूरी क्लास का वो पॉइंट होता है जो हमारी पूरी क्लास को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देता है हम देखते हैं हमारी क्लास कहां से शुरू हो रही थी थर्टी कहां कहां पर जा सकती थी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर तो अगर इस क्लास की ये रेंज है और इस क्लास में ये नूमेरिकल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किस को पॉइंट को नूमेरिकल पॉइंट को चूज़ करेंगे इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत कॉमन है मैं क्या करूँगा देखिए थर्टी एक साइड में है थर्टी फोर उसके दूसरी साइड में है तो मैं क्या कॉमनली करता हूँ जो उसका मिड पॉइंट होता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को चूज़ करता हूँ उस पूरी डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पर तो हमारे पास ईजी था हमने क्लास की जो रेंज थी उसे ड्रा किया ड्रॉ करने के बाद वो पॉइंट कैलकुलेट किया जो रिप्रेजेंट करता था मिड पॉइंट इसे अगर हमें दूसरी भाषा में समझना हो तो मिड पॉइंट का अर्थ है वो पॉइंट जो हमारी पूरी डेटा सीरीज को बैलेंस कर सकता हो जिसके दोनों तरफ इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों जैसे अगर मैं इस पेन से समझने की कोशिश करूं और मुझसे कोई ये पूछे कि इस पेन का मिड पॉइंट क्या होगा तो कौन सा वो पॉइंट होगा जो जहाँ पे ये पेन बैलेंस हो जाए अगर मैं किसी भी एक तरफ जाऊँगा तो दू, ये डिसबैलेंस होगा मिड पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे भी बैलेंस हो जाए अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा तो इस पेन को बैलेंस कर पाऊँगा अदरवाइज नहीं तो ये जो मिड पॉइंट है ये हमारी पूरी डेटा सीरीज को रिप्रजेंट करता है क्योंकि ये बैलेंस कर सकता है थर्टी टू के एक साइड में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दो थर्टी टू के दूसरी साइड में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं दो तो कभी कभी यहां पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर नंबर्स हैं तो हम इन नंबर्स में से जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे चूज कर लें। लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे पास ये रॉ डेटा नहीं है क्योंकि हमने इस रॉ डेटा को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहाँ अगर मैं ये रॉ डेटा आपसे छिपा लूँ तब तो आपको ये नहीं पता है कि थर्टी टू थर्टी फोर में कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज लाई कर रही हैं तब आपको क्या चाहिए तब आपको वो मिड पॉइंट चाहिए जो ये अज्यूम करे कि मेरी पूरी जो डेटा सीरीज है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसी कंसीडर को कंसीडर consider, इसी कंसीडरेशन के साथ हम लोग मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एग्जैक्ट लोअर लिमिट एग्जैक्ट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू तो हमें तीन वैल, दो ही वैल्यू चाहिए उस क्लास की एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोअर लिमिट लिमिट अपर और उसके बाद अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम उस क्लास का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अगर हमें पहली क्लास हम लेते हैं थर्टी टू थर्टी फोर लिखा हुआ है इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या होगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव प्लस एग्जैक्ट अपर लिमिट 34.5 माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट 29.5 डिवाइडेड बाय टू तो मिड पॉइंट होगा 29 पॉइंट फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू और ये कैलकुलेशंस आएंगी थर्टी टू तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं एक और देखते हैं अब हम एक और क्लास चूज करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं फोर्टी टू फोर्टी फोर मिड पॉइंट इजकअल टू एग्जैक्ट लोअर लिमिट तो इसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव देन एग्जैक्ट अपर लिमिट फोर्टी फोर पॉइंट फाइव माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट थर्टी नाइन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू थर्टी नाइन पॉइंट फाइव सॉरी यहाँ प्लस होगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इसी को भी हम फिर ड्रॉ करके भी देख लेते हैं इस वाली क्लास को भी 40, 41, 42, 43, 44 तो देखिए वही पॉइंट इमर्ज हुआ है जो मेरी पूरी क्लास को बैलेंस कर रहा है मिड पॉइंट में तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं सारे मिड पॉइंट उस क्लास में ऐड कर लेंगे तो हम लोगों ने जब थर्टी टू थर्टी फोर की क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया था वो आया था थर्टी टू अब हम अगर हमारे पास समय कम है हमें सारी क्लासेस का मिड पॉइंट नहीं निकालना है तो इसका एक शॉर्टकट है कि जब हमारे पास एक मिड पॉइंट आएगा तो उस मिड पॉइंट में अगर हम क्लास इंटरवल ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट मिड पॉइंट क्रिएट होता चला जाएगा थर्टी टू प्लस फाइव थर्टी सेवन दूसरी क्लास हम लोगों ने कौन सी कैलकुलेट की थी फोर्टी टू उसके बाद थर्टी फाइव में थर्टी सॉरी थर्टी सेवन में अगर हम फाइव ऐड करेंगे फोर्टी टू तो देखिए जब हम लोगों ने इस क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया था तो वही हमारे पास आया था तो अगर हमें सारी क्लासेस का कैलकुलेट नहीं करना है तो हम फर्स्ट क्लास का कैलकुलेट करेंगे और उसमें एग्जैक्ट क्लास इंटरवल एडअप करते चले जाएंगे तो जो हमारे मिड पॉइंट का कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम लोगों ने आज सीखा कि हम किस तरीके से रॉ डेटा को ऑर्डर में ऑर्डर डेटा को ग्रुप में और ग्रुप डेटा को फ्रिक्वेंसी डेटा में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस को कंप्लीट करने के बाद अभी हमारे पास एक और फार्मूला है मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें एग्जैक्ट लिमिट का फार्मूला यूज़ नहीं करना है तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं लोअर स्कोर आएगा सेम ही हमारे पास क्लास है थर्टी टू थर्टी फोर इसका लोअर स्कोर क्या होगा यहाँ पर हम एग्जैक्ट लोअर लिमिट नहीं यूज करेंगे क्या यूज करेंगे लोअर स्कोर तो लोअर स्कोर होगा इसका थर्टी प्लस अपर स्कोर थर्टी फोर माइनस लोअर स्कोर थर्टी डिवाइडेड बाय टू थर्टी प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू अगेन थर्टी तो दोनों फार्मूला एक ही कैलकुलेशन करते हैं एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं अगर एग्जैक्ट लिमिट में कुछ कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या है पॉइंट फाइव माइनस करना है पॉइंट फाइव प्लस करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी सीरीज ही प्योर है आपके पास लोअर लिमिट सॉरी एग्जैक्ट लोअर लिमिट है एग्जैक्ट अपर लिमिट है तो आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों फार्मूले को यूज़ करने के बाद आपके पास मिड पॉइंट सेम होगा अब एक और क्वेश्चन कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि इन तीनों सीरीज का मिड पॉइंट सेम ही होगा यस, yes. इन तीनों सीरीज का मिड पॉइंट हमेशा सेम आएगा क्यों क्योंकि जब हमने इंक्लूसिव सीरीज ली है तब भी हमने यही डेटा पॉइंट इस क्लास इंटरवल में रखे थे थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर नेक्स्ट में एक्सक्लूसिव में भी यही रखे हैं थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव नेक्स्ट क्लास में गया है प्योर सीरीज में भी यही डेटा पॉइंट इंक्लूड हुए हैं तो यहाँ पर हम किसी भी मेथड से अपना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तीनों का मिड पॉइंट सेम ही आएगा अब आज के क्लास में हम लोग बस एक टॉपिक और कंप्लीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी अब क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ से डिनोट करते हैं क्यूमुलेशन का क्या अर्थ होता है क्यूमुलेशन का अर्थ होता है जो आपके पास आज है उसमें जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं नया आपको मिला है आप उसमें ऐड कर दो संचय करना संचयी आवृत्ति क्यूमुलेट करना तो क्यूमुलेट कैसे होगा जैसे अभी मेरे पास अगर सौ रुपये हैं मुझे किसी ने सौ रुपये और दिए तो मैंने उस सौ रुपये में एक और सौ रुपये ऐड कर लिए किसी ने और सौ रुपये दिए मैंने वो भी ऐड कर लिए लेकिन जब तक वो क्यूमलेकेट क्यूमुलेट होगा जब तक मैं उसमें से खर्च ना करूँ तो क्यूमलेशन में क्या है आप किसी चीज़ को माइनस नहीं करते क्या करते हैं उसमें ऑन करते चले जाते हैं तो जैसे पहले बच्चे गुल्लक रखते थे तो गुल्लक में ऑप्शन नहीं होता था पैसे निकालने का तो क्या होता था अगर आज आपने दस रुपये डाले हैं उसके बाद कल को पाँच रुपये डाले हैं उसके बाद किसी दिन पंद्रह रुपये डाले हैं तो गुल्लक वो पूरे के पूरे नंबर्स को पूरी मनी को क्यूमुलेट करती रही ऐड ऑन करती रही उसके बाद जब गुल्लक भर गई आपने उसे तोड़ा तो वो सारा पैसा आपको मिला कितना जितना भी आपने उसमें डाला था पैसे में इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी होती है क्यूमिटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी जिसमें हम पहली क्लास में जो फ्रिक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट वाली क्लास में उस पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐडअप कर देंगे ऐड करते चले जाएंगे तो पहली हमारे पास जो क्लास है थर्टी टू थर्टी फोर उसकी फ्रीक्वेंसी है फाइव तो इसकी सी एफ क्या होगी फाइव इसकी सी एफ एड क्यों नहीं हुई क्योंकि इसके पहले उसमें कोई और फ्रीक्वेंसी इस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है गुल्लक खाली थी अभी पहला जो उसमें रुपया डाला गया वो पाँच का सिक्का था तो अभी गुल्लक के पास क्या है सिर्फ पाँच तो पहली क्लास की क्यूमिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट वही फ्रीक्वेंसी होती है जो उस क्लास में लाई करती है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन इसमें कितनी फ्रिक्वेंसी है ज़ीरो तो यहां पे क्या होगा फाइव में जीरो ऐड हो जाएगा कितने बचेगा पांच दोबारा अब नेक्स्ट क्लास क्या होगा इसमें क्यों क्यूमुलेट नहीं हुआ क्योंकि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो क्यूमुलेशन एड ऑन नहीं हुआ अब फाइव प्लस फाइव नेक्स्ट क्या होगा टेन नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेन प्लस टू ट्वेल्व नेक्स्ट ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन

देखिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है उसमें कोई गलती तो नहीं की है इसे चेक करने के कुछ मेथड्स हैं जैसे जब आप फ्रीक्वेंसी काउंट करें तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो हमेशा उतना ही आना चाहिए जितना आपका एन है क्योंकि अगर मेरे पास 50 डेटा था और 50 के डेटा को मैंने फ्रीक्वेंसी में चेक किया तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं सकती अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो इसका क्या मतलब है किसी एक वैल्यू को मैंने एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया है तो क्या हो गया होगा फ्रीक्वेंसी काउंट फिफ्टी हो गया लेकिन अगर फोर्टी है इसका क्या अर्थ है मैंने कोई एक डेटा पॉइंट मिस कर दिया अपने डेटा में इसीलिए वो मेरी फ्रिक्वेंसी में नहीं आया इसी के साथ क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे मुझे हेल्प करती है जब क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी आ लास्ट क्लास की कितनी होनी चाहिए एग्जैक्ट एन फिफ्टी तो ये नंबर्स हमेशा एन के इक्वल होंगे अगर ये नंबर एन के इक्वल हैं तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट चांसेस हैं कि आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना डेटा पॉइंट एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना ही कोई डेटा पॉइंट आपसे गलती से मिस हो गया है तो आज की क्लास में हम लोगों ने अगर हम समअप करें तो हमने रॉ डेटा को प्रोसेस करके सबसे पहले उससे कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इन्फरेंस कुछ मीनिंग ड्रॉ करने की पहली जो मेथड है वो आज हमने सीखा और उसे हमने कहा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें बहुत सारे सूचनाएं मिलती हैं अब इन एडवांटेजेस को इन सूचनाओं को उसका हम कैसे मीनिंग ड्रॉ करते हैं हम नेक्स्ट की लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोगों का ज्वाइन करने का धन्यवाद थैंक यू